हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हेन अ चोक कॉइल कैरिंग ए स्टेडी करंट इट्स शॉर्ट सर्किटेड द करंट इन इट डिक्रीज़ टू बीटा लेस देन वन टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू इन अ टाइम कैपिटल टी द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द चॉक कॉइल इज द चोक कॉइल गिवन है जिसमें कि स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा और वो चोक कॉइल शॉर्ट सर्किट हो चुका है और करंट जो है वो डिक्रीज हो गया है बीटा टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू इन ए कैपिटल टाइम टी टी टाइम में हमें फाइंड आउट करना है टाइम कांस्टेंट तो चलिए देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट कैसे पता चलेगा तो ये स्टडी करंट में स्टडी स्टेट में जा चुका है और शॉर्ट सर्किट हो चुका है और करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है करेंट हमारा यानी कि डी करंट इक्वेशन लिखना होगा दैट विल अपॉन ओके और जो करंट हमारा आई है वो बोल रहा है आई जो हमारा बीटा टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू हो चुका है तो क्या लिखेंगे बीटा इंटू आई नॉट इंटू आई नॉट इंटू रेज टू दिपावर माइनस टी अपन टाइव तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस टी इक्वल टू बीटा आप क्या करो दोनों साइड एल एन ले लो तो नेक्नस टी अपॉन टाई टाउ इज इक्वल टू एल एन बीटा और एक बात हाँ एक बात और है कि जब बीटा हो जा रहा है ये तो उस समय हमारा जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी लग रहा है जब ये आई हमारा बीटा आई नॉट हो रहा है उस समय जो टाइम हमारा वो कैपिटल टी हो जा रहा है इट विल बी इक्वल टू कैपिटल टी ओके तो आप अब क्या करो टाउ निकालना है तो टाउ निकालने के लिए क्या करो रिवर्स करो माइनस टाउ तो अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन एल इन बीटा एंड टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन एल इन बीटा माइनस के साथ टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन एल माइनस साइड अंदर ले जाओगे तो वन अपॉन बीटा हो जाएगा तो टाउ जो हमारा टाइम कांस्टेंट है इट विल बी इक्वल टू टी अपॉन एल ऑफ वन बाय बीटा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑल द बेस्ट